सबसे पहले मैं आपको पॉस्का मार्कर्स का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि व्हाट इज पॉस्का मार्कर्स एक्चुअली, इतनी हाइप ज्यादा इसमें क्रिएटेड है। तो बेसिकली पॉस्का मार्कर्स है बेसिकली पेंट मार्कर्स, तो इनमें एक वाटर बेस्ड एक्रेलिक इंक होती है। अब आप ऐसे समझो कि आप वाटर कलर और एक्रेलिक पेंट को मिक्स कर दो, तो क्या होगा कि जो वाटर कलर की कंसिस्टेंसी है और जो एक्रेलिक पेंट की प्रॉपर्टीज है वो इन पॉस्का पेंट मार्कर्स में है। मतलब कि इनकी जो इंक है वो वाटर बेस्ड है और उस इंक की जो प्रॉपर्टीज है वो जस्ट लाइक एक्रेलिक पेंट है। तो ये सारी चीजें थी जो पॉस्का मार्कर्स को बहुत ज्यादा खास बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन पॉस्का मार्कर्स को आपको यूज कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो सरफेस है जिस भी चीज को आप कस्टमाइज करने जा रहे हो या फिर जो भी चीज पे आप पेंट करने जा रहे हो उस सरफेस को आप रेडी करो। तो आपको एक चीज माइंड में ये रखनी है कि वो सरफेस थोड़ा रफ होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्लेन बहुत ज्यादा ग्लॉसी सरफेस होगा तो उस सरफेस की सरफेस टेंशन की वजह से जो पेंट होगा वो एक जगह श्रिंक हो जाएगा और बहुत अच्छे से होल्ड नहीं करेगा सरफेस पे। तो आपको सरफेस रेडी करने के लिए आपको क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा जैसे प्लास्टिक का सरफेस है वैसे ये था, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस पे थोड़ा सा थिनर लिया एक टिश्यू पेपर में, आप थिनर डायरेक्टली मत अप्लाई करना, एक टिश्यू पेपर में थिनर लिया या फिर कॉटन स्वाब भी आप यूज कर सकते हो और इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो इस पे ग्लॉसी फिनिश थी ना वो निकल गई और उसके बाद ये थोड़ा रफ हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इस पे व्हाइट स्प्रे पेंट किया और उसके ऊपर से मैंने आराम से पॉस्का मार्कर से पेंट कर दिया। पर जैसे शूज वगैरह हो गए, जैसे ये शू था तो इसमें आपको कोई भी ऐसा व्हाइट पेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक व्हाइट शू खरीदो और उसके ऊपर आप आसानी से पॉस्का मार्कर्स यूज कर सकते हो। बट शूज खरीदते टाइम आप ये ध्यान रखना कि जो कैनवस वाले शूज आते हैं लाइक जो कपड़े वाले जूते होते हैं वो आप मत लेना, क्योंकि उस पे ये मार्कर्स बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। लाइक बाय लेदर शूज, जैसे कि ये तो वैसे सिंथेटिक लेदर है तो सिंथेटिक लेदर काफी सस्ता पड़ता है। मैं शू का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप वहां पे चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सो ट्राई टू बाय लाइक सिंथेटिक लेदर वाले जो शूज आते हैं, जैसे कि ये थोड़ा रबड़ी सा है और ये सिंथेटिक लेदर है तो इस पे पेंट बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये सरफेस जैसे कि ये बॉटल है, ये स्टील की बॉटल है तो ये ऑलरेडी काफी खुरदुरी है, तो आप इस पे आराम से पेंट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सरफेस है उस पे पेंट बहुत ज्यादा लग रहा है, पेंट होल्ड नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मली एक व्हाइट पेंट का कोट करो और उसके ऊपर आप नॉर्मली आसानी से पेंट कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपको पॉस्का मार्कर्स अगर हमने पेंट कर दिया है, आपने अपनी चीज कस्टमाइज कर ली है, तो हाउ डू यू गोइंग टू प्रोटेक्ट इट। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि ब्रो क्या ये मतलब वाटर प्रूफ है, क्या हम इसको बाहर, अगर आपने शूज कस्टमाइज किया तो क्या आप उसको बाहर पहन के जा सकते हो क्या। तो ये सारी चीजें बहुत से लोगों के दिमाग में रहती है। वेल देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एकदम मतलब वाटर कलर जैसे है कि पानी डालो और बह जाएगा, नो इट्स नथिंग लाइक दैट। मतलब इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये एक वाटर प्रूफ इंक होती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप स्कॉच ब्राइट ले लो और विम लेकर रगड़ दोगे तो मतलब ऑब्वियसली बात है यार वो तो निकल ही जाएगा। बट आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपकी खुद की कॉमन सेंस से। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपने किसी चीज पे इतना टाइम दिया है, आपने उसको कस्टमाइज किया है, जैसे सपोज कि ये शू मैंने कस्टमाइज किया तो मैंने आज तक लिटरली इसको कहीं पहना नहीं है। क्यों नहीं पहना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इतनी मेहनत से इसको कस्टमाइज किया है, अगर मैं इसको कहीं बाहर पहन के जाऊंगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मतलब धूल मिट्टी लगेगी या फिर कहीं पानी लग जाए, जैसे बरसात का मौसम तो क्या पता कहीं पानी लग सकता है। ऐसी जगहों पे मैं इसको पहन के नहीं जाऊंगा ना यार, मतलब जहां पे ये खराब हो सकता है। अब मैं वहां इसको पहन के जाऊंगा, जैसे मुझे मान लो कभी पार्टी में जाना हो या फिर किसी की बर्थडे पार्टी हो गई या फिर मुझे कहीं क्लब वगैरह में जाना हुआ, तो आई विल डेफिनेटली वेयर इट, क्योंकि मुझे वहां पे कम चलना पड़ेगा या फिर आई विल जस्ट गो एंड सेट देयर। तो ये सारी चीजें तो आपको खुद ही सोचनी पड़ेंगी कि आपको खुद से ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो भी चीज आप कस्टमाइज कर रहे हो या फिर पेंट कर रहे हो। बट हाँ, बहुत से लोग वार्निश भी पुट करते हैं। तो देखो यार, वार्निश का मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि कौन सा वार्निश यूज करना चाहिए पॉस्का पेंट पे, और वार्निश का लिटरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैंने ये वाले एयर डोब्स को मतलब कस्टमाइज किया था, तो व्हाट हैपेंड कि मैंने पहले व्हाइट कलर से व्हाइट स्प्रे पेंट से कोट दिया था, उसके ऊपर मैंने पॉस्का पेंट किया और उसके बाद मैंने वार्निश कर दिया। तो वार्निश करने से क्या हुआ ना कि इसमें पता नहीं क्यों जो बेस पेंट की लेयर थी जो मैंने व्हाइट स्प्रे पेंट किया था वो निकलने लगी। इट बिकम लाइक ऐसा लगा कि किसी ने उस पे एसिड डाल दिया है और वो एकदम छूटने लगी थी। सो आई हैड टू लाइक लिटरली रीपेंट द होल एयर डोब्स, और उसके बाद ही आपने वो वीडियो में जो एंड रिजल्ट देखा है वो मतलब दोबारा से पेंट मैंने किया है, तो वही आपने देखा है। पर अगर आपको फिर भी वार्निश यूज करना है तो बहुत दूर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस से आप उसको वार्निश करो, बहुत ज्यादा पास से मत करना। अगर आप बहुत ज्यादा पास से करोगे तो आपका जो पेंट है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, और आपने जो भी पेंट किया है वो ऑब्वियसली मैं 100% श्योर हूँ कि वो एकदम मेस्ड अप हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आपके जितने भी पॉस्का मार्कर्स के डाउट थे वो क्लियर हो गए। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, क्योंकि मैं उसको रिप्लाई तो वैसे भी करूंगा नहीं, बट अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू स्टफ। टिल देन, पीस आउट।